है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मेरे सेकंड चैनल पे यहाँ पर दो दो वीडियो आ चुके हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखे क्या? तो भाई जरूर से जाकर देखो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे सेकंड चैनल भाई मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, तो जरूर से देख लेना। उससे पहले देखते हैं प्रोबोज की स्टोरी। तो यहाँ पर प्रोबोज ने एक स्टोरी लगाई थी, सॉरी थोड़ा लेट वीडियो के लिए, कल आएगा 1 बजे। यानी कि भाई यहाँ पर जो भाई लेपिस के साथ और PhD1 के साथ यहाँ पर जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, शायद से वो वीडियो हमको आज 1 बजे देखने को मिलने वाला है, तो वो तो देखने में मजा आने वाला है। बट यहाँ पर भाई डार्क यूज़ के अभी तक कोई हमको भाई यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि कब आने वाला है। बट शायद से इस वीडियो के बाद से हमको भाई डार्क हीरोज़ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो कम्युनिटी पोस्ट या तो डायरेक्ट वीडियो भी देखने को मिल सकता है। तो भाई बढ़ते हमारे फर्स्ट यहाँ पर थियरी की ओर। उससे पहले देखो, आप में से काफ़ी कम लोग होते हैं भाई एक्चुअल में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। मेरे को आप सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही लाइक चाहिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हमारे फर्स्ट यहाँ पर थियरी की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट थियरी है प्ले टाइम की तरफ से, आई थिंक प्रोबोज 95 इज द फर्स्ट बॉस बिकॉज ऑल बॉस वॉन्ट टू किल प्रोबोज, प्लीज टेक माई थियरी। तो भाई इसका सिंपल आंसर है भाई कि शायद से ऐसा हो सकता है कि वो बॉस हो, बट ऐसा 100% चांस है कि भाई वो यहाँ पर बॉस नहीं है, वो एक हीरो है। भाई आपने सुना डार्क हीरोज, यानी कि वो एक हीरो हो सकता है, बॉस तो भाई मेरे अंदर से नहीं हो सकता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट थियरी की ओर। तो नेक्स्ट थियरी पर है मैजिशियन तेजस की तरफ से, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपका दिमाग चाटने, माई थियरी आई थिंक दिस टाइम हीरो ब्रांड विल बी अगेन कम इन सीजन 3, बट नॉट टू किल प्रोबोज 95 बट टू मेक फ्रेंडशिप विथ हिम एंड हेल्प हिम, बट नॉट नॉर्मली, आई मीन दैट प्रो टीम वुड बी फाइटिंग टू बी पावरफुल एंटिटी, हीरो ब्रांड विल बी कम इंस्टेंटली एंड विल सेव द फ्रॉम गेटिंग किल्ड। तो इसका भाई सिंपली आंसर ये है कि भाई देखो, हीरो ब्रांड को कोई समन करना चाहेगा तो यहाँ पर कर सकता है, और भाई इसका यहाँ पर ये थियरी आपकी काफ़ी ज़्यादा सही निकल सकती है वैसे तो, कि प्रोबोज को मदद कर सकता है हीरो ब्रांड, बट ऐसा काफ़ी कम चांस है क्योंकि भाई हीरो ब्रांड को कहीं ना कहीं अपनी तीन विशेष ने प्रोबोज ने मांग ली है, सारी चीज़ें पता होंगी, तो भाई शायद से वो इसको मारने की कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश क्यों ही करेंगे, तो भाई शायद से मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ पर प्रोबोज की मदद करने वाला है। बट इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो गया, शायद से उसने प्रोबोज ने कुछ रिचुअल किया जिसमें प्रोबोज ने यहाँ पर हीरो ब्रांड की मदद कर दी और भाई मदद करके यहाँ पर हीरो ब्रांड खुश हो गया, तो शायद से सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो नेक्स्ट थियरी पर है माइनक्राफ्ट शॉर्ट 5.0 की तरफ से, प्लीज टेक माई थियरी। ब्रो प्रोबोज में जो पोस्ट डाली थी वो डार्क हीरो सीरीज की है, तो इसका रीजन मैंने बता दिया भाई स्टार्टिंग में ही। सेकंड बॉस सेंग, तो भाई सेकंड बॉस सेंग भी हो सकता है या तो फर्स्ट बॉस हो सकता है, उसका तो भाई हमको क्लियर कुछ आइडिया है ही नहीं जब तक यहाँ पर कुछ कम्युनिटी पोस्ट या कुछ चीज़ें नहीं आती तब तक। विल जेनेसिस कम बैक, तो इसका सिंपली आंसर है भाई हमको काफ़ी टाइम से वो देखने को मिला नहीं है, पूरे सीजन 2 में भी देखने को नहीं मिला, तो इसका सिंपली आंसर है नो। शायद से भाई मैंने अगर आपको पुराने वीडियो में बताया वैसा कुछ चीज़ यहाँ पर हो गई तो वापस आ सकता है। इस समवन कंट्रोलिंग केनी, तो भाई इसका सिंपली आंसर है अभी के लिए नो, मेरे को नहीं लगता उसको कोई कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसने प्रोबोज की काफ़ी मदद की, साथ साथ उसने ओक्यूलस को मार दिया, तो मेरे को लगता है अभी तक कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साइंटिस्ट इज अ बॉस बिकॉज ही कांट टॉक एंड ऑल बॉसेज आर ऑल्सो एंड देर आर ब्लॉक इन साइंटिस्ट बेस विच सिमिलर टू ब्लॉक वेरी सीन ग्रीन आई मैन। तो इसका सिंपली आंसर भाई है कि मैंने पुराने वीडियो में बता दिया है कि साइंटिस्ट बॉस हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर क्यों नहीं हो सकता उसके अगर मेरा पूरा एकदम वीडियो बनाया है तो जरूर से वो वीडियो देख लेना, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट थियरी पर है जन द रॉयल किड की तरफ से, थियरी 1, जेनेसिस हीरो ब्रांड एंड ओक्यूलस आर डेड बट द किल मेसेज डिड नॉट शो बिकॉज दे डाइन इन इंटर डायमेंशन। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सही बात है कि उसका मतलब लोग मर चुके हैं, बस उसका किल मैसेज नहीं देखने को मिला, साथ ही हमको जेनेसिस का भी किल मैसेज देखने को नहीं मिला था और काफ़ी टाइम से हमको भाई वो डार्क हीरोज में देखने को नहीं मिला, तो इसका सिंपली आंसर है कि वो मर चुका है भाई यहाँ पर। और नेक्स्ट ईयर पर है जेनेसिस लास्ट वर्ड वॉज ग्रीन एंड द एंटिटी इन लास्ट स्कैन सीजन 2 एपिसोड 11 आई वेर ग्रीन दैट मीन इज सेंग। तो भाई इसका आंसर ये हो सकता है कि वो सेंग हो सकता है, या तो भाई मेरे को पता नहीं है कि वो सेंग है, बट उसका सिंपली आंसर ये है कि भाई वो सेकंड बॉस या तो सेंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। थियरी नेक्स्ट थियरी यहाँ पर है हीरो ब्रांड इज नॉट डेड बिकॉज ही बॉडी मोर मूविंग। तो भाई आपका पहला यहाँ पर थियरी में कहना है कि भाई लोग मरे हैं इंटर डायमेंशन में, तो भाई देखा आपने देखा होगा कि जेनेसिस जब मरा था तब उसकी भी बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से मूव कर रही थी, बट फिर भी वो काफ़ी टाइम से हमें डार्क हीरोज में देखने को नहीं मिला था, और हीरो ब्रांड भी यहाँ पर सेम टू सेम भाई इंटर डायमेंशन में अगर मरा है तो भाई उसकी भी बॉडी भले ही मूव कर रही थी, बट हमको जब तक उसको कोई समझ नहीं करता तब तक देखने को नहीं मिलने वाला। इसका सिंपल आंसर है हीरो ब्रांड मर चुका है। नेक्स्ट ईयर पर है ओक्यूलस इज नॉट डेड बिकॉज वी डिड नॉट सी हिज बॉडी। तो भाई इसका भी सिंपली आंसर ये है कि शायद से उसको भाई यहाँ पर अलग डायमेंशन में मारा होगा। आपकी जो फैली थियरी है वही यहाँ पर भाई प्रूफ होती है फोर्थ थियरी में। थियरी नंबर 5 है हीरो ब्रांड विल बी बैक इन सीजन 3 एंड ही विल बी मोर पावरफुल देन केनी। तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई हीरो ब्रांड को जब तक कोई समन नहीं करता
तो भाई तब तक भाई हमको हीरो बन देखने को नहीं मिलेगा। अगर समझो किसी ने समन कर दिया तो उसको भाई यहाँ पर अपनी प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, यानी कि कोई उसके बाद जो भी बढ़िया चीज़ है उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। तो भाई उसको मतलब वही जाके उसको हीरो ब्रेन स्पॉन करा सकता है और तभी जाके कुछ ना कुछ हमको चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट हीरो ब्रेन वापस जब मेरे को भी लगता है वापस जरूर से आएगा। तो बढ़ते हमारी नेक्स्ट थियरी की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है साल की तरफ से। ब्रो जब जेनेसिस ने केनी को कंट्रोल किया था तब केनी को कुछ याद था या नहीं? केनी ने तब सैमुअल को फोटो लगाया था। तो भाई शायद से अभी के लिए उसको सारी चीज़ें याद ही थी। जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो जब मतलब जैसे ही वो यहाँ पर वापस आ गया था तब तो वो क्यूलियस ने उसको मतलब क्या बोला था, तुम्हारे यहाँ पर बॉस ने मेरे से काफ़ी गंदे काम करवाए। यानी कि भाई यहाँ पर केनी को कुछ ना कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर याद है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था। तो भाई अभी तक आपने मेरी भी न्यू वीडियो भाई सेकंड चैनल में जाके नहीं देखी तो ऑलरेडी वहाँ पर दो दो वीडियो आ चुकी है, तो भाई जरूर से जाके देख लेना।